नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बचे हुए बासी चावल से कुरकुरे बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। इस तरीके से आप चावल के कुरकुरे यदि बना के स्टोर करेंगे तो ये लंबे समय तक खराब नहीं होगा, और बचे हुए चावल से आप बनाएंगे ये काफी टेस्टी भी बनने वाला है, क्योंकि इसमें जो सामान डालेंगे वो सारा एकदम से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। इसके साथ ही आज बनाएंगे चावल के कुरकुरे। पूरे वीडियो को देखिएगा, आधा अधूरा वीडियो नहीं देखिएगा, क्योंकि आज बिना गैस जलाए हुए कुरकुरे बनाएंगे। तो बिना गैस जलाए हुए जब हम लोग कुरकुरे या पापड़ बनाते हैं तो पहले वीडियो को अच्छे से देख के समझना पड़ता है, नहीं तो हो सकता है सूखने के बाद ये कुरकुरे जो है टूट जाए, बिखर जाए। तो यहाँ पर आपके पास जितना भी चावल है उस हिसाब से आप कुरकुरे कम या ज्यादा भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कटोरी ये बचा हुआ चावल है जो हम लोग खाना के लिए बनाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बच जाता है, तो इसका आप कुरकुरे या पापड़ बना के लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि सारे चावल को एक बड़े बर्तन में डालेंगे, और इस बर्तन में हमें डालना होगा पहले कुछ मसाले। तो यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा ये पैकेट वाला जो मसाला होता है नूडल्स मसाला, आप डाल लीजिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में डालेंगे लाल मिर्ची, साथ में यहाँ पर डालना है हमें धनिया और जीरा का पाउडर। तो जो मसाले इसमें डाल के दिखा रही हूँ सारे मसाले आप डाल के बनाइएगा, क्योंकि बचे हुए चावल का है तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। यह है काली मिर्च का पाउडर, तो हल्का सा इसको भी डाल दें। चावल ज्यादा होगा आपके पास तो सारा मसाला आप ज्यादा करके डालिएगा। साथ में डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे कुरकुरे के अंदर। और इसमें ही हमें डाल देना है थोड़ा टुकड़ा अदरक का, और डालेंगे हरी मिर्ची। आप देख लेंगे मिर्ची आपको कितना डालना है, क्योंकि हरी मिर्ची डालने से इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं दो हरी मिर्ची इसमें डाली हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इसमें लाल मिर्ची भी गया हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर एक टमाटर ले रही हूँ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत तरह की रेसिपी लेके आने वाली हूँ, तो आप हमारे सारे रेसिपी को देख सके इसके लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक टमाटर ली हूँ, और टमाटर को भी हमें बारीक बारीक कट करके मसाले के साथ ही डाल देना है। तो देखिए, यहाँ पर टमाटर और सारा मसाला इसमें डल चुका है। अब इसके में डालेंगे एक सामग्री जो कि हमारे कुरकुरे को बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बना देगा, तो वो है पोहा। तो यहाँ पर आधा कप पोहा डाल देती हूँ। पोहा को साफ सुथरा करके आप इसमें डाल ले, और ध्यान रखिएगा पोहा मोटा हो बारीक हो कोई सा भी हो चल जाएगा। अब टमाटर के साथ हमें पहले पोहे को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये करने से क्या होगा, जो टमाटर में पानी है, रस है, जूस है उसका, वो सारा निकलेगा और पोहे को फूलने में मदद करेगा। क्योंकि बिना गैस जलाए हुए कुरकुरे बना रहे हैं तो इसमें सारे सामग्री जो डालेंगे उसका बराबर से हमें ध्यान रखना होगा, तभी जाके ये अच्छा बनके तैयार होगा। अभी देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ जिससे कि पोहे जो है अच्छे से फूल जाए, साथ साथ में मसाले के साथ में। आज का तरीका बिल्कुल अलग है, इस तरीके से आज से पहले आपने नहीं बनाया होगा बचे हुए चावल के कुरकुरे। अब देखिए, इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच नमक। नमक थोड़ा सा और डाल देते हैं, क्योंकि ये चम्मच बहुत ज्यादा छोटा है और नमक भी ये सेंधा नमक है तो ये थोड़ा ज्यादा लगता है इसके लिए। साथ में डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, और सारे मसाले को डालने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा देर के लिए फूल ले देंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको छोड़े हुए 10 मिनट के करीब हो चुका है, 10 मिनट इसको छोड़ दी थी। अब पोहा जो है हल्का हल्का सा फूल गया है, यानी 10 मिनट में पोहा बहुत अच्छे से फूल जाता है, और इसमें पानी भी देखिए कितना छूट गया है। नमक डालने से क्या होता है, टमाटर जो है पानी छोड़ता है, तो इसके लिए पहले टमाटर में नमक डाल के और पोहे के साथ इसको छोड़ना है। देखिए कितना सारा पानी इसमें निकल गया है, और पहले ही आप बाद में टमाटर ऐड करेंगे तो फिर कुरकुरे का जो मिक्स बनेगा वो बहुत ज्यादा गीला गीला सा बन जाएगा। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर लेना है छोटा वाला मिक्सर जार, और सारे चीज को इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, आपको किसी भी चीज की पापड़ की रेसिपी चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं।
सर्च कर लेंगे मी सहेली पापड़ रेसिपी, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि मैं पहले बना के डाली हुई हूँ। और आप हमारे वीडियो को देख के कोई सा भी पापड़ बना सकते हैं, चिप्स बना सकते हैं, फ्राइम्स बना सकते हैं, नमकीन बना सकते हैं, चकली मठड़ी जो भी बनाना है। तो आप रेसिपी का नाम हमारे चैनल का नाम लिख के सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। अभी इसको अच्छे से बारीक करके पीसेंगे, उसके बाद इसमें अन्य सामग्री ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टमाटर और पोहे को बहुत अच्छे से मिक्स की हूँ, पीसी हूँ। तो देखिए अभी भी ये काफी पतला पतला सा लग रहा है, देख पा रहे हैं। अभी क्या करेंगे, इसके अंदर जो बचा हुआ चावल है वो डालेंगे, और इसके साथ पानी का इस्तेमाल अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इस बात का आपको ध्यान देना है। और फिर से इतना सा चावल डाल के पहले इसको अच्छे से बारीक करेंगे, उसके बाद फिर से थोड़ा थोड़ा इसमें चावल डालेंगे। आपको दिखाती हूँ उसके बाद इसमें क्या ऐसा ऐड करेंगे जिससे हमारा कुरकुरे बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। तो अभी देखिए इसको बहुत अच्छे से पीसी हूँ, और ध्यान रखिएगा जब आप चावल और पोहे को पीसेंगे तो बहुत अच्छे से चिकना होना चाहिए, यदि बहुत ज्यादा दरदरा रहता है तो भी हमारे कुरकुरे सूखने के बाद टूटते हैं, टूटने का उसका डर रहता है। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से पीसना है, और ज्यादा पानी पानी आपको ना लगे, यदि पीसते हुए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको सूखा सूखा रखेंगे तो अच्छे से ये पीसेगा नहीं। तो देखिए कितना अच्छा से ये पीस के तैयार हो गया है। अभी सारी चीज को इसमें निकाल लेना है, और फिर बताती हूँ इसका बनाने का तरीका। तब अभी क्या करेंगे, इसको अच्छे से एक बार फेटेंगे, जैसे जैसे आप फेटेंगे ना बहुत ज्यादा ही चिपचिपा होगा, तो इसको फेटना बहुत जरूरी है और बहुत ही काम की रेसिपी है फ्रेंड। तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर घर में चावल थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है, तो उसको फेंकने से अच्छा इसका तरह तरह की रेसिपी बना के आप रख सकते हैं। यदि बचे हुए चावल से सेव नमकीन बनाने हैं आपको तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी। तो देखिए ये जो है बहुत अच्छा से चिपचिपा हो चुका है, अब इसमें डालेंगे बाकी की चीजें। इसके अंदर डालेंगे एक चम्मच भर के सफेद तिल, आपके पास है तो डाल लीजिएगा, इससे जब कुरकुरे फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छा कुरकुरे के अंदर क्रंच आता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी कुरकुरे का बढ़ जाता है। तो आप इसमें तिल डाल सकते हैं थोड़ा सा। और देखिए कुरकुरे को टूटने से बचाने के लिए इसमें आप दो चीज इस्तेमाल में ले सकते हैं, आप चाहें तो इसमें एक छोटा चम्मच मैदा ऐड कर लीजिए, और यदि आपको मैदा नहीं डालना है, मैदा नहीं खाते हैं, तो आप एक चम्मच के जितना इसमें अरारोट डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लावर। बहुत ज्यादा मात्रा नहीं डालिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा भी डालने से कभी कभार होता है हमारे चिप्स और पापड़ जो है बिना पकाए हुए जो बनाते हैं उसका टूटने का डर रहता है। अभी अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ कहाँ से हमारे दोस्त हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा भी बोल सकूंगी इसके लिए, आप लोग जरूर बताइएगा। तो देखिए अच्छे से अब कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर जब आप डालेंगे ना तो ये और भी ज्यादा चिपचिपा सा हो जाएगा, और ये किसी भी तरीके से आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। इसको आप सुखाने के लिए चाहे तो पंखे की हवा में भी डाल सकते हैं, और चाहे तो इसको धूप में भी सुखा सकते हैं। कुरकुरे का मिक्स जो है हमें थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, हल्का सा। बहुत ज्यादा गाढ़ा रहेगा तो फिर आप इसका कुरकुरे अच्छे से नहीं बना पाएंगे। अब देखिए तैयार हो चुका है, इसमें नमक वगैरह सारा चीज डाला हुआ है, तो अभी हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, अब सीधा इसका कुरकुरे बनाएंगे। जब तक आपको कुरकुरे बना के फ्राई न करके दिखा दूं तब तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स कुरकुरे बनाने के लिए आप चाहें तो ऐसा वाला मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें सारी चीज को ये भर लेंगे, और भर के जैसे हम लोग चकली बनाते हैं उससे भी बना सकते हैं। और बिना मशीन का कैसे बनाएंगे कुरकुरे, तो आज मैं वही वाला वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि हर कोई के पास ये वाला होता नहीं है। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज का खाली पैकेट ले सकते हैं, वो पैकेट दूध का हो सकता है, चीनी का हो सकता है, या चिप्स का हो सकता है। इसको ग्लास में फंसा लेना है और इसमें सारे मिक्स को भर लेंगे। देखिए इस तरीके से बहुत आराम से ये कुरकुरे बनाने का आसान तरीका है, बिना मशीन बिना सांचे बिना आग जलाए हुए। तो सारे को इसमें अच्छे से डाल लेती हूँ।
और यहाँ पर एक कोना में कट लगा लेना है इसको, कुरकुरे जो बहुत ज्यादा पतला नहीं बनाइएगा क्योंकि सूखने के बाद पतला हो जाएगा। अभी आपको कोई भी पॉलीथीन आप ले लें, पॉलीथीन पे हल्का सा चाहे तो तेल लगा लें और इसमें कुरकुरे बना लेंगे। इस तरीके से करके हमें कुरकुरे बना लेना है। बहुत ही आसान है ये रेसिपी और एक भी कुरकुरे आपका टूटेगा नहीं। उसमें टमाटर का फ्लेवर है तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा, देखिए इस तरीके से। और इसको आप सुखा ले, पंखे के हवा में डाल दे और चाहे तो धूप में भी सुखा सकते। कुरकुरे को बहुत अच्छे से सुखाइएगा, यदि थोड़ा बहुत है तो बस सूखने जब ये सूख जाए तो फ्राई करके खा लें। देखिए इसी तरीके से हमें कुरकुरे बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर कुरकुरे बन चुका है हमारा। अब इसको धूप में डाल देती हूँ सूखने के लिए। हमारे यहाँ धूप का व्यवस्था आपके यहाँ नहीं है तो पंखे के हवा में सुखाए, धूप आ रहा है बढ़िया तो धूप में ही सुखा ले, जल्दी सूख जाएगा। चलिए सूखता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कुरकुरे फ्राई करके। तो देखिए यहाँ पर कुरकुरे सूख के तैयार हो गया है और सूखने के बाद कुछ इस तरीके का बन के आया है। बहुत ही अच्छा पतला पतला सा कुरकुरे हो जाता है सूखने के बाद। और देखिए इसमें जो तिल दिख रहा है उससे हमारे कुरकुरे और भी ज्यादा सुंदर, और जब फ्राई करेंगे तब आप देखिएगा। तो चलिए कुरकुरे को फ्राई करके भी दिखाती हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। अब इसमें डालेंगे कुरकुरे। देखिए कुरकुरे जो है कितना अच्छे से फूला है, बहुत ही ज्यादा खस्ता बनता है। आप चाहे इसके ऊपर कोई मसाला डालना तो डाल सकते हैं और नहीं तो बिना मसाला का भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे मसाले पहले से डाला हुआ है तो कोई मसाला डालने का उतना जरूरत नहीं है। और बहुत ही अच्छा खस्ता कुरकुरे बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।